Assalamu alaikum viewers, Wasif is here with Secret of Spices with my team. आज आपके लिए पेठे का हलवा बेहतरीन किस्म का और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। हलवा बनाने के लिए जो हमें चाहिए नाजरीन मैं आपको बताता हूँ। एक गिलास गाढ़ा दूध या एक कप दूध गाढ़ा, उसके साथ खोया मावा 50 to 100 ग्राम, आप पे डिपेंड करता है। चीनी भी 50 ग्राम, आप पे डिपेंड करता है कितनी आपने डालनी है। पिस्ता गरी और बादाम, इसके साथ घी और 1 किलो पेठा, और इसके साथ थोड़ा सा कार्डामोम का पाउडर भी है। और नाजरीन पेठा जो है हमें थोड़ा सा नरम वाला चाहिए, ये मीठा होता है। हलवे के लिए 1 किलो पेठा यानी कि कद्दू आपको चाहिए। इस तरह पीस कर ली है जैसे हम खरबूजे की करते हैं, और आगे इसकी स्किन उतारने का मैं आपको बता दूं। और इसकी जो स्किन है हम इसको बड़े प्यार से थोड़ी थोड़ी जो है छील लेंगे। कटे हुए जो पेठा है इसको हम कद्दूकश करेंगे। शुरू करते हैं नाजरीन। सबसे पहले एक बड़ा खाने का चम्मच घी डालेंगे फ्राई पैन में, और हमारे बादाम और गिरी और पिस्ता है इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे। जी नाज़रीन, अब इसके बाद हम इसको फ्राई पैन में सारे पेठे को डालते हैं। कद्दू में बहुत ज्यादा पानी होता है, इसको हम ढक के हल्की आंच पर 5-6 मिनट तक पकने दें। पांच मिनट के बाद इसका पानी काफी खुश्क हो गया, हम इसमें दूध डाल दें 1 कप, और इसको अच्छे तरीके से हलाएंगे दोबारा। पांच मिनट हमने इसको कुक किया दूध में, उसके बाद हम इसमें हसबे जायका चीनी डालेंगे। पहले मैं आधी डालता हूं ताकि ज्यादा ना हो, क्योंकि हमारा पेठा भी मीठा होता है। और इसमें हम सौंफ का पाउडर भी डाल देंगे, और इसमें खोया भी हम डालेंगे। जी नाजरीन, 5 मिनट और मैंने इसे हाई फ्लेम पे पकाया है, पानी इसका खुश्क हो गया, मजेदार टेस्ट और बहुत ही जबरदस्त जायका आ रहा है। मजेदार, इसको आप गरम गरम अभी खाएं और मजे करें। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त था, पहले मैं समझा गाजर क्या रखे, कद्दू का पहली दफा खाया बहुत। तो उनसे जका भाई से पूछा कि जो कद्दू का था या फिर इसका था, लेकिन था बड़ा मजा। जरा कर लो कैसा है ब्रजेश, एक हलवा माशाल्लाह इट्स वेरी गुड, वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस, थैंक यू।